ओ भोले बाबा अंत पे अंत। और अभी जो हमारे कैमरामैन है, अगर हम आपको बताएं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे कूल पहाड़ी। पानी कैसे जम गया है ये देखो, पूरे ऊपर से सीधे रोना जैसे आ रहा है, लेकिन क्या करें, रोके कुछ फायदा होने वाला है नहीं। इतना गजब का नजारा है भाई साहब, आ हा हा हा, मजा आ गया। पर शंकर संकट हरे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हालचाल, मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ, सीधे मधमेश्वर धाम से। और सुबह के अभी 5 बज रहे हैं और इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है ना भाई, क्या बताएं, लेकिन कोई नहीं, सब चलता है भोले बाबा के दर पे। तो अब आपको लेके चलते हैं मंदिर की ओर। तो ये है बाबा मधमेश्वर जी का मंदिर, जो कि सुबह सुबह कितना खूबसूरत चमक रहा है लाइटों से। शिव कैलाशो के वासी, धौली धारो के राजा, शंकर संकट हरणा, ओ भोले बाबा शंकर। दोस्तों, हम आए थे यहाँ पर सुबह 5:30 बजे, मैंने आपको बताया था, और उसके बाद हम पूजा में बैठ गए थे। और रात को मंदिर कैसे नजर आता है वो भी मैंने आपको पूरा दिखाया है। तो अंदर पूजा में 1 से 1.5 घंटे हम बैठे रहे, और जो आरती का है वो भी हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ का। तो बड़ा मन प्रसन्न हो गया, गदगद हो गया, और बहुत मजा आया। और अभी वहाँ पर पूजा चली रही है, क्योंकि आज ना यहाँ से जिजमेश्वर बाबा के कपाट यहाँ बंद हो जाएंगे, और जो यहाँ की डोली है वो शीतकालीन गति उखी मठ ओंकारेश्वर मंदिर की ओर चले जाएगी। आज उनका कहाँ तक सफर रहेगा वो अभी मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन जहाँ तक भी रहेगा वो आप लोगों को हम साथ में लेके चलेंगे। लेकिन अगर मौसम की बात की जाए ना, हमारे गांव में तो ठंडा होता ही है, लेकिन यहाँ जो ठंड है ना वो बिल्कुल अलग है, हालत खराब करने वाली ठंड यहाँ पर है। लेकिन एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा यहाँ पर, कल रात को हम पहुंचे, बड़ा मजा आया। और अभी जो हमारे कैमरामैन है, अगर हम आपको बताएं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे कूल पहाड़ी दीपक भाई हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद फ्री में सेवा देने के लिए। फीस लगेगी वाले इनको, तो कितनी फीस लगेगी आज? तो चलो, जितनी भी हमको फीस मिलेगी इस ब्लॉग की, वो इनको देनी पड़ेगी। दोस्तों, मधमेश्वर धाम में जो असली ठंड की वजह है ना, तो वो है ये खूबसूरत बर्फ से ढके पहाड़। तो चारों साइड से बर्फ से ढके पहाड़ हैं, इसीलिए वहाँ से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। और यहाँ ऊपर मैं दिखाऊँ तो यहाँ आपको ये देखिए, धीरे धीरे धूप भी यहाँ पहाड़ियों से आ रही है। तो बड़ा खूबसूरत यहाँ का अभी सुबह सुबह का नज़ारा है, और इन बर्फ के पहाड़ों का तो क्या ही कहना भाई साहब, कितनी सारी बर्फ़ यहाँ पर पड़ रखी है। वैसे कुछ दिन पहले यहाँ पर भी बर्फबारी हुई थी, पिछले व्लॉग में शायद रात को मैंने आपको दिखाया था, कुछ बर्फ कहीं पे मुझे मिली थी तो मैंने आपको दिखा दी थी। अभी फिलहाल यहाँ पर कहीं देखने को नहीं मिल रही है, तो अगर फिर आगे दिखेगी तो आपको बताएंगे, नहीं तो हमारे गांव में तो बर्फ़ पड़ने ही वाली है, अब वहीं दिखा देंगे आपको। तो ठंडे ठंडे मौसम में यहाँ पर मधमेश्वर धाम में हमको एक बाबा जी मिले हैं, जिनकी वजह से कल हम काफ़ी लेट हो गए थे। तो कल तो रात को क्या ज़्यादा वीडियो बनानी थी, तो अभी सुबह सुबह ये बिल्कुल अपने रूप में आ चुके हैं। और यहाँ पर गिटार भी हम लेके आए थे कल, आपने मेरे पास जायद देखा होगा ये। तो आज सुबह सुबह यहाँ पर थोड़ा ये हमको कुछ सुनाएंगे स्पेशल, और हम आपको भी सुनाएंगे। और दीपक भाई, इतने कूल तुम पहले ही हो, लेकिन आज आज असली कूल जगह पे आके कैसा लग रहा है? आज यहाँ की ठंड ने ना मेरे को भी जमा दिया भाई। बोला भी नहीं जा रहा। तेरे कैलाशों का अंत ना पाया, तेरे कैलाशों का अंत ना पाया, अंत पे अंत तेरी माया, ओ भोले बाबा अंत पे अंत तेरी माया। दोस्तों, मंदिर मैंने आगे से आपको दिखा दिया है, तो पीछे से भी कुछ ऐसे नज़र आता है मंदिर, और सामने जो बर्फ़ से ढकी पहाड़ियां हैं, तो उनके बारे में तो क्या कहा जाए। दोस्तों, मैं आपको हाथ दिखाऊं तो ठंड से हाथ कैसे लाल हो गए हैं, तो ऐसे में तो ज़्यादा पता नहीं चलेगा, लेकिन ठंड आप यहाँ देख सकते हैं। तो पानी कैसे जम गया है ये देखो, पूरे ऊपर से एक परत लेयर जम चुकी है यहाँ पर, ये पूरी देखो, टूट भी नहीं रहा, इतना मजबूत है। तो गढ़वाली में हमारे यहाँ भी ये होता है, तो हम इसको बोलते हैं कचुई। और यहाँ पर हमारे एक भाई हैं, तो भाई नाम क्या है आपका? प्रशांत। प्रशांत, और कहाँ से?
हो भाई, तो फाइनली सूर्यदेव ने हमको दर्शन दे दिए हैं सामने वाली पीक पहाड़ी से, और कितना गजब का नजारा है भाई साहब। आहा, थोड़ा आपको ऐसे में दिखाते हैं ये। तो इस चीज के लिए मतलब लोग लाखों हजारों पैसे खर्च कर लेते हैं लेकिन तब भी एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, नहीं तो मिलता है। हम यहाँ पहुँचे और सुबह सुबह ऐसे शानदार नजारे, तो क्या बताएं भाई, मजा आ गया। तो चलिए, डोली तैयार हो चुकी है यहाँ से प्रस्थान करने के लिए। तो डोली प्रस्थान करने से पहले पूरे मंदिर की परिक्रमा कर रही है, और मैं वो मंदिर आपको दिखाना भूल गया था जहाँ पर अभी डोली जा रखी है। तो ऊपर वाला जो मंदिर है वो है गौरी शंकर मंदिर, और जो नीचे वाला मंदिर है वो है पार्वती माँ का मंदिर। तो यहाँ पर डोली निकलने से पहले जो यहाँ के बर्तन होते हैं तो उनकी जांच मधमेश्वर बाबा के द्वारा की जा रही है। तो अभी मंदिर से डोली प्रस्थान हो चुकी है, तो चलिए, जो बाबा का धाम है मधमेश्वर मंदिर है, यहाँ से अब अलविदा लेते हैं और चलते हैं बाबा की डोली के साथ। और जैसे ही यहाँ पर अभी कपाट बंद हो चुके हैं, डोली यहाँ से निकल चुकी है, तो इसके बाद यहाँ पर रहना थोड़ा भी अलाउड नहीं है। तो अब जल्दी से यहाँ से हमको निकलना होगा, नहीं तो फिर फाइन भी हो सकता है। तो पैदल यात्रा का जो पहला विश्राम है डोली का, तो वो हुआ है कूनचट्टी में। तो यहाँ पर थोड़ा विश्राम भी होगा और साथ साथ में यहाँ पर पूजा भी की जाती है। तो चलो, जैसे ही पूजा होती है तो फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कूनचट्टी पे जहाँ कल हमने चाय पी थी रात के अंधेरे में, वहीं पर आज श्रद्धालुओं के लिए चाय की व्यवस्था की गई है, जिनकी यहाँ पर दुकान होगी। तो चलो, मतलब ठंडे ठंडे मौसम में गर्म गर्म चाय का आनंद लेते हैं, और इनका धन्यवाद जिन्होंने ये व्यवस्था कर रखी थी। दोस्तों, अभी हम चलते चलते पहुंच चुके हैं नानू में, और यहाँ पर भी डोली विश्राम है और साथ साथ में भंडारा भी है जो कि श्रद्धालु लोग यहाँ पर खाएंगे। तो चलो, भूख लग रही है तो थोड़ा हम भी खा लेते हैं। तो अभी भंडारे से मैंने थाली ले ली है, और भंडारे में जो खाने के लिए है, तो आप देख सकते हैं छोले हैं, पूरी है और हलवा है। दोस्तों, सामने देखिए गोंडार गांव आपको नज़र आ रहा होगा। तो जो बाबा मधमेश्वर की डोली है वो वहां पर हमसे पहले ही पहुंच गई है, क्योंकि मेरे पैर में थोड़ा मोच आ गई थी, तो चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत अभी हो रही है। तो चलो, अभी गोंडार गांव में ही आपको मिलते हैं।
और बाबा की डोली के साथ आज का जो सफर है वो गोंडार गांव तक ही रहेगा, क्योंकि आज बाबा की जो डोली है वो रात्रि विश्राम के लिए गोंडार गांव में ही रुकने वाली है। कल यहाँ से रांची जाएगी, परसों शायद गिरिया जाएगी और फिर तब जाके अपनी शीतकालीन गद्दी ऊखीमठ में जाएगी। और ऊखीमठ जिस दिन जाएगी तो वहाँ पर एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है और मेले में ज़रूर मैं भी आपको लेके जाऊँगा, लेकिन आज हमें कहीं और भी जाना है और कहाँ जाना है वो आपको आगे पता चलेगा। तो दोस्तों, जब से मेरा पैर मुड़ा है और दर्द इतना ज़्यादा है ना, मतलब अब एक कदम भी एक किलोमीटर जैसे लग रहा है, और जब जब मैं रास्ते को देख रहा हूँ ना, सीधे रोना जैसे आ रहा है। लेकिन क्या करें, रोके कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। और जो माल्टे लेके आए थे उनको खाना भी हम भूल गए, तो अभी क्या करते हैं, थोड़ा माल्टा खाते हैं और आएगी हिम्मत तो आगे बढ़ेंगे। सोच रहे थे नई यात्रा पर निकलना है, लेकिन इसी यात्रा पर हालत ख़राब हो गई, तो फिर भी देखते हैं, अभी इस माल्टे को खाते हैं। और दोस्तों, अभी लुटकते लुटकते फाइनली हम पहुंच चुके हैं जहां से हमने मधुसर का ट्रैक शुरू किया था कल, और राणा जी पूरे भीग चुके हैं पसीने से और हालत ख़राब हो गई है, तो रोड पे पहुंच चुके हैं। और हमारे साथ के जो साथी थे वो कुछ यहां पर आप देख सकते हैं, तो ये हमारे सुजान भाई हो गए और दीपक भाई, तो ये मतलब अलग रास्ते से अभी जाने वाले हैं, और हमारे साथ कौन कौन जाएगा वो कुछ पता नहीं। हमारा तो गांव आ गया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आज यहीं पे रुक जाओ, लेकिन ये जा रहे हैं एक ट्रिप पे। हाँ, वो ट्रिप कौन है आगे रास्ते में बताएंगे। उस ट्रिप पे मैं, आलोक भाई और यश भाई जा रहे हैं। चलो तब वाह जी बोला, वाह ठीक मिला ला जल्दी। तो मैंने आपको बोला था कि हम एक यात्रा पर निकलने वाले हैं आलोक भाई के साथ, तो अभी हम जा रहे हैं बद्री विशाल के दर्शन करने और आप लोगों को दर्शन कराने के लिए। मैंने अभी तक आपको मतलब केदार बाबा और मधेश्वर बाबा शंकरनाथ की डोलियां खा दी हैं, और बद्रीनाथ में हमारे विष्णु भगवान की डोली है, तो मैं सोच रहा था कि अब की बार मैं जाऊँगा वहाँ पर। तो आलोक भाई ने बोला कि साथ में चलते हैं और यश भाई भी हमारे साथ हैं, तो चलो अभी काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 6 बजने वाली हैं। और सामने मैं दिखाऊं तो जो रूट है वो सामने इधर वाला है, अभी तक हम थे ये मधमेश्वर घाटी में, तो चलो ज़्यादा अभी टाइम यहाँ पर अपना ख़राब नहीं करते हैं क्योंकि बहुत लंबा जाना है। दोस्तों, अभी जैसे ही हम थोड़ा आगे आए तो अंधेरा भी हो चुका है, और सुबह से सही से खाना भी नहीं खाया है क्योंकि थोड़ा वहाँ पर जहाँ पर भंडारा था वहाँ पर खाया, तो भूख भी लग रही थी। तो यहाँ अंदर आलोक भाई और हमारे यश भाई पहुँच चुके हैं दुकान में, तो चलो यहाँ पर जो भी होगा खाते हैं। और ठंडा हो रहा है, तो अभी गर्मा गर्म मैगी बनवाई है और उसके साथ चाय, तो मतलब हर जगह बनती है हमारी। दोस्तों, अंधेरे और ठंड की वजह से रास्ते का मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाया, लेकिन अभी हम पहुंचे हैं जोशीमठ और टाइम की बात करूं तो 10 बज चुके हैं, और इधर हैं भाई साहब। कैसा लगा? मजा आ गया। और आलोक भाई तो मजा आ गया, पर नींद भी आ रही है। नींद आ रही है, और कल की नींद इनकी भी, मतलब ये तो फिर भी 2-3 घंटे सो गए थे, मतलब मैं तो रात एडिटिंग पे लगा हुआ था, तो मेरा मतलब आधा घंटा मान के चलो मैं सोया ही नहीं, ऐसे मान के चलो आप कल देख रहे हो आपके लिए कितनी मेहनत होती है। yeah. भाई डेली व्लॉग डालने के चक्कर में रात भर नहीं सोए और फिर सुबह 4 बजे हम मंदिर चले गए थे। तो चलो इसी बात पे लाइक तो बनता है, और अभी मतलब खाना पीना खाते हैं और उसके बाद अब हिम्मत नहीं है कि वीडियो आगे शूट करो, तो चलिए आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और जो कमरा है वो ये है। तो उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं प्रमोद रावत मिलता हूँ एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, जय बद्रीशाल।